नासा के पर्सिवेरेंस रोवर ने 18 फरवरी को मंगल पर टचडाउन किया। इस टचडाउन के साथ ही भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक स्वाति मोहन का नाम भी इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि इस लैंडिंग की जानकारी सबसे पहले पूरी दुनिया को स्वाति मोहन ने ही दी। पर्सिवेरेंस ने करीब 7 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद मंगल पर लैंड किया है। लैंडिंग के दौरान स्वाति इसके गाइडेंस और कंट्रोल ऑपरेशन को लीड कर रही थी। इस दौरान वो पूरी दुनिया को रोवर की स्थिति के बारे में अपडेट देती रही। जब रोवर मंगल ग्रह पर उतरा तो स्वाति ने कहा, रोवर के उतरने की पुष्टि हो गई है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है और मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत खोजने के लिए तैयार है। स्वाति मोहन इस प्रोजेक्ट की गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल ऑपरेशन की लीड हैं। ये प्रोजेक्ट 2013 में शुरू हुआ था। स्वाति तब से ही इस पर काम कर रही हैं। उन्होंने फ्लोरिडा टुडे से कहा, पर्सिवेरेंस को जितना वक्त मैंने दिया है उतने साल में किसी एक स्कूल में नहीं रही। मेरी छोटी बेटी की पूरी उम्र से ज्यादा वक्त मैंने पर्सिवेरेंस को दिया है। ये मेरी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है। आइए जानते हैं कौन है स्वाति मोहन। स्वाति मोहन जब 1 साल की थी तभी उनका परिवार भारत से अमेरिका शिफ्ट हो गया। स्वाति ने वॉशिंगटन से शुरुआती पढ़ाई की। जब वो 9 साल की थी तब उन्होंने स्टार ट्रेक देखना शुरू किया। ये एक मशहूर साईफाई सीरीज है। इस सीरीज से काफी प्रभावित हुई। अंतरिक्ष और यूनिवर्स के रहस्यों को जानने की उत्सुकता उनके मन में इसी सीरीज की वजह से जागी। हालांकि बचपन में वो साइंटिस्ट नहीं डॉक्टर बनना चाहती थी, वो भी बच्चों की डॉक्टर। हालांकि उन्होंने फिजिक्स की क्लासेस ली और उन्हें कुछ बहुत अच्छे टीचर्स मिले, जिसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग को करियर ऑप्शन के तौर पर चुना। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल एंड एरोस्पेस में बीएस की डिग्री ली। बाद में एमआईटी से एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स में एमएस और पीएचडी की और वो स्पेस साइंटिस्ट बन गई। यूनिवर्स को लेकर उनके मन में कई सवाल आते, जवाब ढूंढने के लिए वो खूब पढ़ाई करती। इस तरह वो नासा भी पहुंच गई। नासा से जुड़ने के बाद स्वाति ने शनि के लिए कैसिनी और चांद के लिए ग्रेल मिशन पर काम किया। उनके काम को देखते हुए उन्हें मंगल के पर्सिवेरेंस मिशन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। नासा के साथ काम करने को लेकर स्वाति कहती हैं, यह इंसान की समझ को विस्तृत करने की कोशिश की जाती है और हमेशा कुछ नया खोजा जाता है। यहाँ काम करना सम्मान की बात है। इस तरह के माहौल में काम करने से काफ़ी प्रेरणा मिलती है। स्वाति का कहना है कि वे यूनिवर्स की उन जगहों को देखना और समझना चाहती हैं जहां के बारे में आम लोग कभी भी नहीं सोचते। उन्होंने कहा कि वे नासा के अलग अलग मिशन में शामिल होकर ऐसा करना चाहती हैं। चलते चलते आपको नासा के मार्स पर्सिवेरेंस रोवर की लैंडिंग के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। इस रोवर ने पिछले 7 महीनों में 472 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय की। रोवर 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मंगल ग्रह के वायुमंडल में पहुंचा, जिसके बाद ये उसकी सतह पर उतरा। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।